परसों दिन भानु जी वीडियो एक डाले थे, बोल रहे थे कि मतलब 10:35 में यहाँ पे मैदान छोड़ देंगे, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी महिला भानु प्रताप शाही जी हार गए, भले हार गए लेकिन वो कुछ नहीं कर किए हमारे पंचायत में ना हमारे राज्य में आज तक। नमस्कार, मैं हूँ धीरज और आप देख रहे हैं गढ़वा दस्तक। इस वक्त मेरी मौजूदगी है भवनाथपुर विधानसभा 81 में और हरियरपुर गाँव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अभी मेरे साथ JMM के कार्यकर्ता लोग मौजूद है। सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, क्या कि आप लोग के मेहनत रंग लाया है, 15 साल के रिकॉर्ड आप लोग तोड़ दिए हैं। बताइए क्या कहना चाहिएगा? यह जीत जो है जनता का जीत है और जिस तरह से यहाँ राम भगवान के साथ राजनीति किया जा रहा था, BJP वाले राम भगवान के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे थे, पूरे राज्य के और ख़ासकर हमारे भवनाथपुर के जनता ने करारा जवाब दिया और राम भगवान का जो तीर धनुष है विपक्षियों पर चला और आज हेमंत सोरेन जी जो हैं पूर्ण बहुमत का सरकार झारखंड को मिला है और निश्चित तौर पे भवनाथपुर में हम लोग विधायक जी के द्वारा पावर प्लांट का भी कार्यक्रम करवाएंगे और आगे लगातार हर क्षेत्र का विकास होगा। आप क्या कहना चाहिएगा भैया? आप भी बहुत मेहनत की, आपका मेहनत रंग लाया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह। यह जीत जो है आज तमाम झारखंड के, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडिया गठबंधन के जुझारू साथीगण का जीत है और मैं उन तमाम लोगों से मैं बोलना चाहूँगा यह जीत उन मतलब जीत की बधाई के पात्र वो लोग हैं, हम नहीं हैं। यहाँ के जितने भी युवा लोग हैं, ये सारे युवा साथी का मेहनत कारगर रहा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो झंडा है इनका तीर धनुष छाप का, इसमें तीर धनुष में राम भगवान जो है, राम भगवान का निशानी है तीर धनुष। इसी तीर धनुष से आज 23 तारीख को, सॉरी कल के दिन 23 तारीख को रावण का वध किया गया है जो भवनाथपुर में पूरी आतंक फैला चुका था। और यह जीत हरियरपुर की जनता की जीत है। धन्यवाद। कार्यकर्ता लोगों में काफ़ी जोश दिख रहा है। बताइए, परसों दिन भानु जी वीडियो एक डाले थे, बोल रहे थे कि मतलब 10:35 में यहाँ पे मैदान छोड़ देंगे, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी मैं लाइव आया था 10:30 पर। मैंने कल मतलब बोल्ड आवाज में बोला था कि भानु प्रताप शाही जी माननीय, आपने जो समय दिया था 10:30, सारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय के कार्यकर्ता जितने भी थे सब लोग ग्राउंड में डटे रहे, बल्कि उल्टा उनके ऊपर ही चला गया कि उनके कार्यकर्ता 10:35 ग्राउंड छोड़ के भाग चुके थे। यह जीत यहाँ के कार्यकर्ता का जीत है। बताइए, आप युवा हैं, इस बार मतलब बदला हुआ है 15 साल के बाद, आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहिएगा आपने विधायक के बारे में? हमें विधायक कहना क्या है कि हमारे यहाँ विकास हो, हर किसान गरीब का बहुत सब का विकास हो, इतना ही कहना चाहेंगे हम। इनको मतलब आँख से देख नहीं पाते हैं और ये मतलब इस बार बदला हुआ है भवनाथपुर में, क्या कहना चाहिएगा? बहुत बदला, बढ़िया हुआ है। हम लोग 15 साल से चुनाव हारते रहे, छोटे राजा जी गरीबों का हर दिल में रहते हैं। आज जो समस्या है हम लोग को, जो पिछड़ा हुआ विकास है, विकास करने के लिए हम लोग पत्रकार साहब बहुत बहुत धन्यवाद है। छोटे राजा जी घर घर में है, हम जनता को दिल में है। जो हम लोग को विकास करना है, पावर प्लांट लगाना है, उनसे कहना होगा कि आप पावर प्लांट लगवाएं और गरीब को रोजी रोजगार दें, जो बहुत समस्या हम लोग का है। देखते हुए पत्रकार साहब, आपको हमारे विधायक भानु प्रताप शाही जी हार गए, भले हार गए लेकिन वो कुछ नहीं कर किए हमारे पंचायत में ना हमारे राज्य में आज तक, उनके चुनाव हार कर मिला। ये छोटे राजा जी से हम कहना चाहेंगे कि आपको जीत मिला है, जीत के अवसर पर काम करें और जनता को बीच में रहें, यही मेरा आश्वासन है। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे राजा जी जिंदाबाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।